सतपाल मलिक जी ने एक बात कही थी, वो बड़ी बड़ी मार्के की बात है। उन्होंने कहा था कि ये जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, ये इल इन्फॉर्म्ड है, इन्हें किसी चीज की कोई जानकारी नहीं होती और देश जो है वो बहुत ही खतरनाक लोगों के हाथों में है। अब ये पता चल रहा है कि न केवल मुख्य हमारे प्रधानमंत्री इल इन्फॉर्म्ड है, उनके पास सूचना या तो है ही नहीं या है तो गलत है, बल्कि इनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है, इनके जितने प्रमुख लोग हैं, ये सारे के सारे इल इन्फॉर्म्ड है। इन्हें इन विषयों पे तो बात करनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो बराक ओबामा के बारे में जो बयान दिया गया हो या पीओके के बारे में बयान दिया गया हो। देखिए, विदेश मंत्रालय जो होता है, कुछ कुछ मंत्रालय तो ऐसे हैं जिनके साथ आपको बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसमें रक्षा मंत्रालय है, जिसमें वित्त मंत्रालय है, और विदेश मंत्रालय तो ऐसा है कि आप भारत के अंदर, आपके ऊपर तो हो सकता है कोई आपकी बहुत आलोचना न करे, लेकिन विदेश में जो बैठे लोग हैं, विदेश की जो सरकारें हैं, दूसरे देशों की सरकारें हैं, वो कितना समय लगाएगी आपकी आलोचना करने में। आपके संबंध पूरे दुनिया से, अगर हमारे पिछले 70 साल की 75 साल की जो विदेश नीति रही है, जिसने भारत को जो सम्मान दिलाया है, उस सम्मान को निश्चित रूप से ये इस तरीके से आग में हाथ डाल रहे हैं और अपने हाथ जलाने की कोशिशें कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री में थोड़ी भी समझ होगी, या कम से कम हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है इंडियन फॉरेन सर्विसेज का, उनको कम से कम इस चीज में दखलंदाजी करके कहना चाहिए कि कृपा करके हेमंत बिस्वा सरमा या इन लोगों को बोलिए कि ये विदेश मंत्रालय, विदेशी मामलों के बारे में ना बात करें। इससे रही सही जो अच्छी खासी जो बेइज्जती कमा के अमेरिका से लौट रहे हैं, उसमें और इजाफा होगा। इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। दूसरी बात, जो आपने एक और बात कही कि राहुल गांधी के बारे में जो है, देखिए राहुल गांधी के बारे में यह है कि राहुल गांधी लगातार मजबूत हो रहे हैं। जो बताया गया जो सर्वे है, वो सर्वे, मजेदार बात यह है कि वे सर्वे सारे के सारे उन चैनलों ने कराए थे, जो चैनल जो है वो बीजेपी के समर्थक लोगों में से है, बीजेपी की जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं या जो भी उसको सुपारी मीडिया कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उस मीडिया के सर्वे अगर ये बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़े कुछ परिवर्तन की आहट जो है देश सुन रहा है। इसके बाद तीसरा, आपने एक और जो मुद्दा, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के बारे में। हाँ जी जी, मध्य प्रदेश के बारे में तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बात से हमको खुशी होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी जो है इस बरसात में अपना जो है वो रोड शो कैंसिल कर रहे हैं। देखिए, उनके जूते कपड़े ये जो सब है, ये सब हमारे टैक्स के पैसे से ही जाते हैं। राजीव जी, मुझे बड़ी खुशी है कि वे इस कीचड़ में, इस पानी में अपने कपड़ों को गंदा नहीं करना चाहते। ये बहुत अच्छी बात है, हम इस बात में खुशी मनानी चाहिए। इसमें आपका भी पैसा लगा है, मेरा भी पैसा लगा है, टैक्स के रूप में या सेल टैक्स के रूप में, या कोई सामान हम खरीदते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, ये सारा का सारा ये है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जो 7.5 करोड़ का कहा जाता है जो हीरा दिया गया, उसकी कीमत कौन अदा कर रहा है और किस हैसियत से कर रहा है? क्या इतना महंगा जो गिफ्ट है, क्या वो दिया जाना उचित है, खासकर ऐसे समय में जब देश के सामने बहुत सारी अन्य आर्थिक परिस्थितियां हैं? लेकिन हम जानते हैं कि इसको कोई पूछेगा नहीं। अंतिम बात जो उन्होंने आकर जेपी नड्डा साहब से पूछा, और इस समय मैं जेपी नड्डा साहब के ही राज्य में बैठा हुआ हूँ, आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में बैठा हुआ हूँ, तो जेपी नड्डा साहब को ये पूछा गया कि देश में क्या चल रहा है, तो पहली बात तो जो मैंने कही इन्फॉर्म है प्रधानमंत्री को कि यात्रा खत्म होने के बाद अगले 4-5-6 घंटे जब वो फ्लाइट में थे, उन्हें सारा फीडबैक ले लिया जाना चाहिए था। लेकिन असली बात यह है कि अगर उन्हें बता भी दिया जाए कि देश के अंदर ऐसी ऐसी दुश्वारियां हैं, तो आप क्या कर लेंगे साहब? आप उसमें कौन सा उपाय करने जा रहे हैं? आपके पास एक भी उपाय नहीं है। यहां तक कि आप अमेरिका में जब उनसे सबरीना ने पूछा कि आपके देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हो रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, वहां भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। जब इतने कठिन प्रश्न का उन्होंने पहले उत्तर नहीं दिया, तो ये तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न है कि मणिपुर में कौन जल के खत्म हो रहा है, कौन मर रहे हैं, इससे प्रधानमंत्री को कोई लेना देना नहीं है। पिछले कई लंबे समय से हम देख चुके हैं कि बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, यहां तक कि पुलवामा का भी जब हमला हो गया, तब प्रधानमंत्री को पता नहीं था। अगर पता भी था तो भी अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो और बहुत बड़ी बात है। अंतिम बात कि जेपी नड्डा साहब कौन हो गए, कौन होते हैं कि जो इस तरीके के फीडबैक जो है प्रधानमंत्री को दें? प्रधानमंत्री को उन मंत्रियों से पूछना चाहिए था, चाहे कोई सीनियर मिनिस्टर से पूछना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि देश में केवल प्रधानमंत्री है, नंबर 1 भी वही है, नंबर 2 भी वही है,
और जितने भी मंत्रियों की संख्या है 50-60-70 उसमें सिर्फ मोदी है, मोदी के अलावा कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी विकल्पहीनता है। विकल्पहीनता देश में नहीं है, विकल्पहीनता भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और इस सरकार के अंदर है। ये भी बहुत अपने आप में एक चिंता की बात है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए और मेरे जैसे नागरिक के लिए चिंता की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का उनके अपने मंत्रिमंडल में, उनके अपने मंत्रिमंडल में कोई दूसरा क्रमांक का व्यक्ति नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो अब लोगों को सोचना चाहिए कि अगला चुनाव के समय जब वो वोट देने जाएं तो क्या ऐसी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं जिसमें नंबर दो की हैसियत का कोई आदमी ही नहीं है। बहुत दुखद बात हो गई है। इस तरीके कुल जमा जो है काफी कुछ निराशाजनक चीजें हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जरूर है कि एक विकल्प खड़ा हो रहा है और कर्नाटक में जिस तरीके से अंतिम समय में प्रधानमंत्री ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, आपको याद होगा कि आखिरी तीसरे चौथे दिन जब बच गए थे और ये पता चल गया था कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत मुश्किल है, तो पोस्टर्स हट गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में पहले से सावधानी बरत रहे हैं प्रधानमंत्री और वो देख लेंगे कि अगर यहाँ स्थिति ठीक हो तो ही वे चुनाव प्रचार में वैसा बड़ा हिस्सा लेंगे, वरना मुझे लगता है कि न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना आदि में भी वे अपने आप की बहुत सीमित भूमिका में वो हो सकते हैं। राजीव जी, जी क्या सीमित भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब होंगे? चुनाव उनको तो प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री की जगह अनुमान लगा रहे हैं, फोर्सी कर रहे हैं कि 2024 का जो साल है वो परिवर्तन का साल हो सकता है, चाहे वन टू वन फाइट जो है उसमें उसके केंद्र में है कि चाहे वो 350 सीटें हो या 450 सीटें हैं या जितनी भी सीटें हो, जितने में सारे के सारे लोग सहमत हो जाएं। लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूं कि केवल ये सत्ता का परिवर्तन का साल नहीं रहेगा, जो हमारी संपूर्ण भारतीय राजनीति है उसका भी चेहरा बदल सकता है और शायद बदलेगा। नंबर एक, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो संकीर्णता से ऊपर आएंगी, क्योंकि वो ये जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी को जो ताकत मिली है या मोदी जो निरंकुश हुए हैं, उन्होंने सारी सत्ता जो अपने हाथ में ली है, जो हमारे पूरी जो फेडरलिज्म का जो सिद्धांत है, संघवाद का सिद्धांत है, उसको जो खत्म किया है, विरोधी दलों की जहां जहां सरकारें थी उनको तोड़ा है, उनके विधायकों को खरीदा है, इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि ये सारे के सारे जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने अपने आप को बहुत संकीर्ण कर लिया था और उनके जो नेता हैं उन्होंने कोई नया नेतृत्व विकसित ही नहीं किया। आप जितने भी देख लीजिए, जितने भी क्षेत्रीय दल देख लीजिए, ज्यादातर में सेकेंड लाइन है ही नहीं नेतृत्व की। जहां पर जो टॉप पे बैठा है वो कई सालों से बैठा हुआ है और शायद वो अनंत काल तक बैठे रहना चाहता है। तो अब जो है एक व्यापक दृष्टिकोण जो है 2024 का चुनाव इन सब क्षेत्रीय दलों को देने जा रहा है। दूसरा, जो खुद भारतीय जनता पार्टी है ये बहुत ही खराब स्थिति में आ जाएगी, इसलिए क्योंकि अब सारी की सारी जो लड़ाई है वो मोदी के खिलाफ है। निश्चित रूप से एक व्यक्ति के रूप में अगर कहा जाए तो मोदी जो है वो इन सब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का तो कर ही रहे हैं, वो एक खराब प्रशासन का भी वो नेतृत्व कर रहे हैं। अब लोग जो है जिस समय 2024 का चुनाव आएगा, इनके जितने बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो आप देखिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की किसी विचारधारा, आरएसएस की कोई विचारधारा, हिंदुत्व, इन सबसे वो पल्ला झाड़ लेंगे और मोदी जी को वो अकेला छोड़ देंगे और सारे के सारे जो एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने चुनाव लड़ेंगे वो खाली अपनी अपनी सीटें बचाने की कोशिश करेंगे। आप देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर जो सांसद हैं या जो भी चुनाव उम्मीदवार रहेंगे वो बिल्कुल वैसे ही लड़ेंगे जैसे किसी पार्षद का चुनाव होता है, वो व्यक्तिगत चेहरे पर लड़ा जाएगा। वो कहेंगे भाई देखिए ठीक है, पिछले 10 सालों में बहुत सारी तकलीफें हमारी पार्टी ने आपको दी, लेकिन मैं इन सबसे दूर रहा, मेरा मोदी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो आपके बीच जनता के कामों को लेके करने जा रहा हूं, मुझे कोई बहुत ज्यादा हिंदुत्व से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तो राजनीति जो है दोनों तरफ बदलेगी और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब नए सिरे से विचार करना पड़ेगा, जिसके जिसको हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजर की पुरानी अभी हाल ही की स्टोरी में कि उन्होंने ये कह दिया है कि मोदी के चेहरे पर और हिंदुत्व के आधार पर अगला चुनाव नहीं लड़ा जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी जो है 2024 के पहले अपने आप को काफी कुछ सोचने के लिए मजबूर करेगी और इसका सबसे अच्छा पक्ष यह है कि क्षेत्रीय दल जो है वो संकीर्णता से बाहर आएंगे, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से भी दूर आएंगे, जो अभी तक सबसे बड़ी अड़चन थी और मोदी की जो सबसे बड़ी ताकत थी, इसलिए मोदी के सामने सबसे बड़ा खतरा है। और जो आप लिख रहे हैं कि कमजोर पड़ रही बीजेपी की चुनावी पैतरे, सही बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई पैतरा रही नहीं गया है, अब उसको केवल अपनी
सत्ता बचानी है, यही एकमात्र है। अब आप सोचिए कि क्या पैतरा रह गया है, क्या वो हिंदुत्व के मामले पे लड़ेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो हिंदुत्व के मामला जो है, ये जो कार्ड है, बहुत ज्यादा चल सकेगा, क्योंकि 1-to-1 अगर फाइट होती है, जो अरुण शौरी आज से 7-8 साल पहले एक भाषण में कह चुके हैं, जिसको मैंने 2-3 बार कोट भी किया है, उन्होंने कहा था कि जब तक 1-to-1 फाइट नहीं होगी मोदी को हराना मुश्किल है। और अब लगता है कि हमारा जो संपूर्ण विपक्ष है, एकत्रित जो विपक्ष है, समग्र विपक्ष है, वो उस दिशा में बढ़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और 2024 का जो परिवर्तन होगा वो इसी आधार